नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस टेक्निकल पे। तो दोस्तों, अगर आप सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं, तो जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले पता होना चाहिए कि जिस केवी में आप अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, वो स्कूल कौन से सेक्टर में आता है। देखिए, सेक्टर को लेकर के ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया था, बट बहुत सारे पेरेंट्स को मतलब वहाँ पर सर्च करना नहीं आया कि जिस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी उनके एरिया में जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा सही से। अगर आपको केवी के सेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप गलत कैटेगरी का चयन करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस केवी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आता है, क्योंकि सेक्टर वाइज कैटेगरी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में आपका केवी आता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारियों के लिए और नए नए अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ कि जिस केवी में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कौन से सेक्टर में आता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है KVS, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो देखिए, जो पहला पेज खुल के आया है इसके ऊपर जो आपको दिख रहा होगा अनाउंसमेंट KVS, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये KVS की ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ गई। इसके बाद आपने ऑप्शन के ऊपर जाना है, जो राइट साइड में आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, तीन लाइन दिख रही हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है अबाउट KVS, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देखिए, यहाँ पर जो पाँचवें नंबर पे लिखा हुआ है डायरेक्टरीज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो पहला दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये देखिए रीजन एंड JIETs, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। तो देखिए, सभी पेरेंट्स को अपने अपने एरिया का पता होता है कि वो कौन से रीजन में आता है, या जैसे उनको पता हो बेंगलोर के हैं, भोपाल के हैं, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, तो उनको पता होगा। तो जैसे मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, लेकिन जो रुड़की के केवी है वो देहरादून रीजन के अंदर में आता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहीं पे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक अलग स्टेट और अलग डिस्ट्रिक्ट का भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए, आपने क्या करना है, सातवें नंबर जो देहरादून लिखा हुआ है इसका, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जब क्लिक करेंगे इसके रीजन के वेबसाइट पर, तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए होम अबाउट अस एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट RTI डायरेक्टरी, तो आपने इस डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएंगे। देखिए, आप लिखा चेयरमैन प्रिंसिपल्स क्लस्टर वाइज KV सेक्टर वाइज KV, तो आपने सेक्टर वाले पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया, देहरादून रीजन के अंदर जितने KV हैं सबका यहाँ पे लिखा हुआ गया। देखिए, अल्मोड़ा हो गया, भीमताल हो गया, देहरादून IIP हो गया, देहरादून ITBP हो गया, ये सारे खुल के आ गए। इसी तरह से जैसे मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, तो मैं आगे अगले पेज पे जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए रुड़की नंबर वन डिफेंस सेक्टर में आता है। यहाँ पे सबके सेक्टर लिखे हुए हैं और साथ ही साथ लिखा हुआ है कौन सा स्कूल कब का बना हुआ है, तो यहाँ पे उसके बगल में लिखा हुआ है। तो आपने भी इसी तरह से अपने KV का सेक्टर पता करना है। यहाँ पर देखिए सबका लिखा हुआ है, जैसे देखिए मुक्तेश्वर का लिखा हुआ है IHL। देखिए कैटेगरी के बारे में अभी मैं आपको जैसे ये आपको पूरा स्क्रीन दिखा दूंगा, मतलब एक प्रोसेस दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और दिखा देता हूं। तो दोबारा से मैं गया केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑप्शन पर गया सीधा, उसके बाद अबाउट KVS पर गया, डायरेक्टरीज पर गया। डायरेक्टरीज पर जाने के बाद यहाँ पर रीज़न पर गया। उसके बाद अभी एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, अभी देहरादून के बाद जम्मू का ले लेते हैं। जम्मू का ये जो लिंक आपको दिख रहा होगा जम्मू के बगल में, इस उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो कुछ इस तरह से वहाँ का रीजन ऑफिस का खुल के आएगा। अभी आप देखिएगा, ये खुल गया वहाँ के रीजन ऑफिस का। यहाँ पर सीधा ऑप्शन पे आपने दोबारा से जाना है और डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्टर वाइज KV पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे KVs के आ गए, कौन सा प्रोजेक्ट सेक्टर में है, कौन से डिफेंस सेक्टर में, कौन सा सिविल सेक्टर में, ये सारी बातें यहाँ पर आ गई, कौन सा IHL में है। देखिए कैटेगरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफेंस सेक्टर
प्रोजेक्ट सेक्टर और ये जो IHL वगैरह दिख रहे हैं इसमें सभी कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आता है, नहीं तो गलती करें के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सेक्टर चेंज होते ही सीधा कैटेगरी चेंज हो जाती है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि पाँच ही कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं तो आपको गलत जानकारी है, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 6 भी कैटेगरीज होती हैं, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज बात बताई है समझ में आ गई होगी कि आप आसानी से कैसे घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सा KV कौन से सेक्टर में आता है। तो इसके साथ साथ एक और बात बता दूँ कि ये मैंने सेक्टर वाली बात क्यों की। देखिए, जो डिफेंस और सिविल सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं उसमें टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 से 4 तक जो है सरकारी नौकरी वालों के लिए यानी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होती है, और कैटेगरी 5 जो होता है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है यानी बिजनेसमैन, मजदूर वर्ग के या जो भी हैं, जो जिनके पास सरकारी नौकरी है वो सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। जिनके पास मतलब सरकारी नौकरी 1 से 4 तक के बीच में आएंगे, उसके बाद जो है कैटेगरी 5 जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाता है। ये तो बात हो गई सिविल और डिफेंस के KV के लिए। उसके बाद जो दूसरा आता है IHL और प्रोजेक्ट के KV, यानी IHL और प्रोजेक्ट के ज़मीन पर जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है उसमें क्या होता है कि उस IHL के या उस प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए कैटेगरी 1 जो है रिज़र्व होता है, यानी कि जिस केंद्रीय विद्यालय स्कूल मतलब जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल जिस भी IHL की ज़मीन पर बना हुआ है तो उस IHL के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 में प्रायोरिटी दी जाती है, और जो कैटेगरी 2 है 3, 4 और 5 ये सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए हो जाता है, और कैटेगरी 6 जो हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यानी कि एक कैटेगरी यहाँ पर बढ़ जाती है। कैटेगरी 1 IHL और प्रोजेक्ट वालों को रिजर्व हो जाता है, और कैटेगरी 2 से स्टार्ट होता है वो सीक्वेंस जो मैंने अभी पहले डिफेंस और सिविल के लिए बताया था। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप मतलब सही से सही कैटेगरी का चयन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस कैटेगरी में के थ्रू आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी सही है कि नहीं है, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स जिनको सेक्टर के बारे में नहीं पता होता है वो गलतियाँ करते हैं, और बाद में जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं तब मेरे पास पेरेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने गलत कैटेगरी का चयन कर दिया है, और एडमिशन लिस्ट में अगर नाम आ भी जाता है तब भी एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास उस कैटेगरी को लेकर के उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव डेमो के साथ आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।